Question 106. Sir. Her statement has been played on the, placed right on the table of the House. Sir. सर मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रश्न दिया है मेरी आशा थी कि वे उत्तराखंड के एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। उत्तराखंड अकेला एक ऐसा प्रांत है देश में जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है पर वहाँ 2 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते हैं। क्या स्थिति है सर एयरपोर्ट्स की? 75 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट देहरादून है सिक्योरिटी एरिया में मैक्सिमम जिसमें 225 पैसेंजर आ सकते हैं। 1 लाख पैसेंजर की क्षमता वाला एयरपोर्ट बना था 2010 में जिसमें 8 प्रतिवर्ष 4 लाख एयर ट्रेवलर्स वहाँ पे उस एयरपोर्ट पे आते हैं। कोई स्थिति नहीं होती है सर। तो माननीय मंत्री जी कृपया ये इस विषय में बताएं कि पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट्स को विस्तारित कब किया जा सकता है और जिस प्रांत में 4 करोड़ पर्यटक आते होंगे उस प्रांत को एयर कनेक्टिविटी के लिए केवल 1 एयरपोर्ट है जहां पे केवल 75 यात्री सिक्योरिटी क्षेत्र में और 275 यात्री पूरे एयरपोर्ट में आ सकते हैं। उत्तराखंड को इससे बेहतर एयरपोर्ट की सुविधा चाहिए माननीय मंत्री जी और you. मुझे विश्वास है कि आपका ध्यान हमारी ओर है लेकिन उत्तराखंड में जैसे Question, please, है, not a speech. है, इस एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाने Question, के लिए आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू। So there are 2 airports in that state. This thing, one is the Dehradun thing, which has become congested, and there's a move rather that is going on now, a proposal to build a new terminal there with a cost of 327.09 crores, and the consultancy is being given right now, and we expect it to be in place in November 2018. Sir, with regard to Pantnagar, sir, Air India has about, as it is, 4 flights a week, which they are thinking of making it 6 weekly flights, but they are in talk with the state government on a viability gap funding, and we hope that will materialize. If that materializes, the flights will increase to Pantnagar also, sir. Government is interested in making our air vibrant, sir, and we are at it, sir. Thank you. Second supplementary. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, कोई दुनिया का हिंदू नहीं होगा जो उत्तराखंड आए बिना जीना और मरना दोनों उसके उत्तराखंड में आने से ही होते पुण्य मिलता है। वहाँ के लिए गोचर ऐसी जगह है जहाँ पे पहले से हवाई अड्डा बना हुआ है और गोचर का आपने नाम भी नहीं लिया। पूरे तीर्थयात्री जो है वह गोचर के माध्यम से बद्री केदार आसानी से जा सकते हैं। पूरे उत्तराखंड के लिए आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो माननीय मंत्री जी कृपया ये बताएं कि पंतनगर में जहाँ तो एयर ट्रेवल कभी भी कैंसिल हो जाता है और हम निश्चित रूप से वहाँ पंतनगर के लिए हवाई सुविधा की बुकिंग भी नहीं करवा पाते, लेकिन गोचर के लिए भी आप बताइए कि क्या गोचर में हवाई सुविधा देने के लिए आपकी कोई योजना है जहां हवाई पट्टी पहले से ही Thank बनी you. हुई है उसको बेहतर बना देंगे तो उत्तराखंड उससे पूरा स्पर्श हो जाएगा। थैंक यू सर। देयर आर एयरस्ट्रिप्स आल्सो बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू वर्क एट ब्रिंगिंग आउट अ पॉलिसी व्हिच विल ब्रिंग द non-operational airports there, operational, sir. They are 4 there. They are non-operational. They belong to the state government, sir. So we are requesting the state governments to bring it into shape, which will make operations possible, sir. We are working at it. Shri Mahinder Singh Mehra. Chairman, sir. 1960 mein तत्कालीन उत्तर प्रदेश के समय देश की सामरिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 जिलों का निर्माण किया था जो उत्तराखंड के नाम से जाने जाते थे और उत्तराखंड नाम ही उन 3 जिलों के कारण बना, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो मैं क्या आपके माध्यम से, चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ
क्या केंद्र सरकार ने इन हवाई पट्टियों के निर्माण हेतु कोई योगदान किया है? यदि नहीं तो क्या आप देश की रक्षा की दृष्टि एवं 2013 की त्रादशी को ध्यान में रखते हुए इन हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु धन उपलब्ध कराएंगे? थैंक यू सर, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट दिस फोर बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इफ इट कैन बी ब्रॉट इनटू एन ऑपरेशनल स्टेज देन ऑपरेशंस कैन स्टार्ट। श्री नरेश अग्रवाल। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, तो केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों से ये प्रस्ताव में मांगे थे कि कौन कौन से एयरपोर्ट राज्य सरकार अपग्रेड करना चाहती है, नए बनाना चाहती है, और उसमें उत्तर प्रदेश ने 16 प्रस्ताव भेजे थे। सवाल दूसरा है, उत्तराखंड का है, यूपी और उत्तराखंड अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है, वो अलग पार्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं जो उनके उत्तर, डोंट कमिट एग्रेशन लाइक दिस। नहीं चेयरमैन साहब, मैं उत्तर से संदर्भ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों का है, राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को जो भेजे हैं, तो ये मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, किन किन राज्य सरकारों ने केंद्र को अपने राज्य में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, और क्या उसमें उत्तर प्रदेश ने भेजे, तो उन पर क्या कार्रवाई? दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। आई कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड रीच इट। फेयर एनफ। श्री सीएम रमेश, दैट्स ऑल। नहीं मिला तो आप लिखिए मंत्री जी को। सर, रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर ओपन एयरपोर्ट इन कड़पा आंध्र प्रदेश, दैट एयरपोर्ट इज नॉट फंक्शनिंग बिकॉज देर इज नो फ्लाइट सर, दैट एयरपोर्ट कैन लैंड ओनली दैट एटीआर सर, एयर इंडिया इज हैविंग सम एटीआर्स। नो, वन मिनट, जस्ट सिट डाउन सर। आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला सर। प्लीज पॉइंट दिस आउट इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। समय तीन, दैट्स ऑल राइट, ओके। तीन हवाई पट्टू के, एयरपोर्ट हैज ओपन सर, देयर इज नो फ्लाइट सर, एंड आल्सो एयरपोर्ट हैज टू बी एक्सपैंड इन कड़पा एयरपोर्ट सर, इन आंध्र प्रदेश। वी आर नॉट डिस्कसिंग आंध्र प्रदेश, we are not discussing Andhra Pradesh. Sir, he is a minister for aviation sir. No, I'm sorry, for aviation. Listen, please don't create unnecessary confusion. This is a question on, please read the question sir. Question 107, Shri Bhupinder Singh sir, mera question hai sir, please complain if you are, please sit down, you know the procedure, sit down now. Question 107, आप भी बैठ जाइए प्लीज। आई डोंट सी द नीड फॉर दिस इनडिसिप्लिन। आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए, वी आर ऑन टू क्वेश्चन 107। मिस्टर भूपिंदर सिंह, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, लेट इट बी आंसर्ड। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, द टेबल ऑफ द हाउस। यस प्लीज, सप्लीमेंट्री सर। क्वेश्चन केबीके कब फॉर्म हुआ था, और केबीके इज ए स्पेशल रीजन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90-10 का वहां शेयरिंग होता था या नहीं, और बीआरजीएफ केबीके बनने के बाद हुआ था, तो बीआरजीएफ फंडिंग बंद हो गया तो केबीके का फंडिंग बंद हुआ, यह सच्चाई है क्या? आपको इसके बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक जी ने प्रधानमंत्री जी से, आपसे, आपको बार बार चिट्ठी लिखी है कि इसको आप कंसीडर कीजिए, ये एक स्पेशल एरिया है, और इसके साथ केबीके के साथ फुलबाणी और गजपति डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल करने के लिए कहा गया है या नहीं? थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। एज यू नो, आफ्टर द 14th फाइनेंस कमीशन, देयर हैज बीन इन फैक्ट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मैनर इन विच states are funded for projects as well as for special situations like the KBK situation in Odisha, the Bundelkhand situation, special package for Bihar and so on. What has happened with the 14th Finance Commission is that the states have received unconditional amounts of money which is in far in excess of what they were receiving through the devolution proceeds previously, as well as the various different central assistance programs and the centrally sponsored scheme. The idea in doing it that way as per the 14th Finance Commission was to give the flexibility and the resources to the states to be able to spend as required, which of course makes it possible in the case of Odisha as well
to be able to spend for the KBK reason. Now, there are two additional factors here that I would like to emphasize. One is that if you look at the 13th Finance Commission and you see the amount of funds that were allocated to Odisha between 2010 and 2015, the sum total of that was 78,975 crores. Under the 14th Finance Commission, that allocation is 197,791 crores, an increase of over 150%, which gives them a tremendous amount of resources to be deployed as required. Even if you look at it annually in 2000, I'm giving the general context, and then I will come to the specific aspect of KBK as well. No, because, sir, honourable member, sir, I'd like to tell you through the medium. Be a little patient. Chairman, sir, that you have been that there is in fact not just for Odisha but for all the states. A sufficient quantity of funds have been allocated, more so than they were being allocated across the various heads previously, so that they can be deployed as per the requirements of each individual state. So in KBK, certainly you can deploy it that way. If you actually look at the numbers, the distribution of net proceeds went up from 16,267 crores last year to 23,978 crores, an increase of over 50%. This naturally gives you the resources to allocate to all the areas that you require. Now, when we come to the KBK question itself, we recognized, of course, that we were transitioning from one way of funding to the states to another way of funding, and so there was a transitional allotment as well in this current financial year. And in this current financial year, 132 crores was given to the KBK district, and so we are also providing a transition pathway for you even as you move towards the new way of funding under the 14th Finance Commission. Thank you. Second question. Sir, I'm sorry. Sir, KBK is my specific question. I have not asked the general budget discussion. That why, how much in 13th Finance Commission we get, in 14th Finance, what we will be getting in coming 5 years. That is question. Not the question, sir. Sorry. Sir, KBK, as I told you, sir, you know, that 250 crores by last UPA government, while it was giving 130 crores, has been enhanced to 250 crores. We demanded for 1,000 crores for that 8 district and 80 blocks, and include Kandhamal and Gajapati as well, the tribal districts totally. With that, we are giving the PDS system everything without getting support from the central government. So, sir, I would like, and my question is left-wing extremism, 30 districts in 19 jile, wahan pe left-wing extremism se affected hain. Aur wahan pe us fund ko, IAP ko, abhi home minister wahan gaye the 19 tarikh ko pichle, wo chief minister ne unse kaha tha aur wo commit kiye hain, usko aap, wo IAP fund, left-wing extremism ka jo hai, usko aap फंड देना शुरू करेंगे क्या जो 35 करोड़ रुपया मिल रहा था उसको आप कब से देना शुरू करेंगे और जो आपने बीआरजीएफ में आपने यहां कहा है 3583.79 करोड़ जो उसमें से आपने अभी हमको रिलीज किया है 1800 करोड़ बाकी 1800 करोड़ रुपया आप कब तक रिलीज करेंगे स्पेसिफिक आप बताएंगे क्या थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर एज हैज बीन इंडिकेटेड इन द आंसर एंड आई विल रिइटरेट We recognize that as we move towards a new paradigm for the deployment of funds from the center to the states, there will be transitional issues. And taking into account those transitional issues, we allocated 132 crores for the KBK districts of Odisha, and those have in fact been released and taken up by the state of Odisha. There are still some funds that are pending. As you know, there are still approximately 25, 26 days before the financial year ends. And we expect a lot of this will be taken up by the states as per the 1,800 crores or so that is still available under the transitional funds that we have made available. Thank you. Please. Absolutely, those funds are available. You have to request them from the Department of Expenditure and be able to release those. Thank those you, Shrimati Jaya Bachchan. Have been made available to the states. No. Shri Digvijay Singh. Sir, although the central the devolution of central taxes to the states has increased as per the Finance Commission, but if you see the net loss to the state governments ever since you have implemented the recommendation of the Finance Commission, the fact remains, sir, if you see the central assistance to the states after you have increased that from 30 to 42%,
the net gain, there's a net loss to the state governments as per the as percentage of the GDP. That has been accepted by your officials also. So the Congress government has always paid attention to specific areas where they had set up KBK scheme, Bundelkhand Pariyojana, and also the backward grant also. So therefore, sir, it is totally unfair on the part of the government of India. My question to them is, would they again look at the decision to make provisions for specific area provisions as had been done for KBK and Bundelkhand and revive the backward region grant fund? Thank you. Mr. Chairman, sir, as you know, during the discussion for the budget for this financial year, there was a lengthy debate in this House. Many honorable members participated in this regarding the net monies going to the states given the changes brought about by the increase in devolution by the 14th Finance Commission. As Honorable Finance Minister, at that time clarified, if you actually look at it on a net-net basis, the states, in fact, have benefited greatly in terms of getting additional funds. And honorable members are welcome to go back again and take a look at those debates where those numbers were presented, and those numbers will clarify that if you look at it on a net basis, the states have actually come out ahead. I will now respond to honorable members' second question or second issue that he brought up regarding the previous government's, the UPS government's approach towards providing funding for these various different projects or various different requirements. I would like to mention to Honorable Member that as far as our government is concerned and as far as the 14th Finance Commission is concerned, there was a paradigm shift between doling out funds to various special projects, various special requirements, and moving instead, as I said, from a completely that one-off basis and these special dispensations to an approach where we provided the funds to the states, because the states themselves are responsible to the people, they're accountable to the people, they know best in terms of how to deal with the subjects that are on the state list and the concurrent list. And so that flexibility has now been provided by the states to respond to the special needs of each of their states. I think that is a very welcome and a very necessary approach, and is very much consistent with the Honorable Prime Minister's approach of cooperative federalism. Thank you, Shri Bhushan Lal Jangde. Yes. Thank you. उड़ीसा के मयूरभंज जो लोकसभा क्षेत्र में उसमें चीट फंड के कारण से वह हजारों आदिवासी फंसे हुए हैं, उनके बहुत सारे गरीबी के कारण से बर्बाद हो गए हैं, उनके एवज में केंद्र सरकार क्या कर रही है, वहां के जो सांसद है वो भी अरेस्ट हो गया है, उसके मुआवजे के रूप में केंद्र सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने चिट फंड के बारे में प्रश्न पूछा है, उस पे हम लोग बड़ी कनेक्टेड विद दिस चिट फंड के बारे में प्रश्न दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दैट जी वही sorry. मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है. वन मिनट प्लीज, इट्स नॉट कनेक्टेड विद दिस. थैंक यू श्री प्रेमचंद गुप्ता. चेयरमैन सर, 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से आपने राज्यों का हिस्सा 42% कर दिया 32% से, तो ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि राज्यों को अलग एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन साथ के साथ आपने दूसरी स्कीम्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया, जैसे बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है या दूसरी है BRGF वगैरह, ये सब आपने ख़त्म कर दी. दूसरा, राज्यों को आप असिस्टेंस देते थे केंद्र सरकार कि आप मैचिंग ग्रांट 10% देकर कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते थे. तो श्रीमान जी, ये जो केंद्र सरकार का जो एक स्टेप है, ये रीजनल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा. आप बिहार और दूसरे राज्यों को कैसे कंपेयर करेंगे? सबको आप 42% देंगे तो जो पिछड़े राज्य हैं वो कैसे आगे आएंगे, ये आप इसका बताने का
मैं आपके थ्रू माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछड़े राज्यों के लिए आप क्या करेंगे। दूसरा एक सवाल, एक नहीं नहीं एक सवाल नहीं नहीं कनेक्टेड हर चीज से कनेक्टेड सर, इसी से कनेक्टेड है। आपने एक सवाल पूछ लिया श्रीमान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर आंसर। श्रीमान जी इसी से कनेक्टेड है, और इसमें जो बिहार के इलेक्शन में आपने एक लाख 25,000 करोड़ असिस्टेंस देने की बात की थी, तो वो इस 42% से एक्स्ट्रा होगा या इसी में होगा या क्या होगा, और वो कब आएगा जरा उसको बताने की आप कष्ट करें। आप तो बिहार के शुभचिंतक हैं, बिहार और झारखंड से आप आते हैं। नो नो प्लीज नो कमेंट्री। मिस्टर चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है कि 14th फाइनेंस कमीशन में रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं उन पे कोई चिंता की गई है कि नहीं की गई है, और अगर नहीं की गई है तो इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। मैं माननीय सदस्य जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने तय किया कि जिसको हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कहते हैं, वर्टिकल डेवोल्यूशन ये होता है कि पहले जो 32% था वो 42% हो गया है, पर अगर जो 42% है वो राज्यों में किस प्रकार से उसे बांटा जाए उसे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कहा जाता है। जो ये जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला था उसमें जो क्राइटेरिया का प्रयोग किया गया उसमें रीजनल इम्बैलेंसेस को बहुत महत्व दिया गया था, और ये भी देखा गया था कि हर राज्य का जो रेवेन्यू पोजीशन है और उनके जो साधन है, अगर वो रेवेन्यू उनको उठाना है तो किस प्रकार से उठा सकते हैं, अगर वहाँ उनको कोई कमियाँ महसूस हो रही हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किया गया था उसमें इसको पूरी तरीके से चिंता करके ही किया गया था। मैं माननीय सदस्य जी को जरा आंकड़े बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि 13 फाइनेंस कमीशन में बिहार को कितना इसका प्रावधान किया गया था, तो जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 172,944 करोड़ बिहार को 13 फाइनेंस कमीशन में दिया गया था। अब 14 फाइनेंस कमीशन में, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस है, पिछड़ा हुआ राज्य है, मैं खुद झारखंड से हूँ तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बिहार में भी बहुत साल मैं रहा हूँ, कि वहाँ 4,08,166 करोड़ दिया जा रहा है, यानी कि 136% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से जब 14 फाइनेंस कमीशन सब बातों में जाकर पूरी तरीके से अध्ययन करके उन्होंने तय किया कि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किस तरीके से किया जाए, तो ये सब जो इम्बैलेंसेस थे इन लोगों ने इसको एड्रेस किया है इस प्रकार से। फिर आपका दूसरा प्रश्न, आपका जो दूसरा प्रश्न था बैठ जाइए, ये था कि जो 125,000 करोड़ का जो स्पेशल पैकेज है, यू आर नॉट बीइंग हर्ड, 125,000 करोड़ का जो गुप्ता जी, 125,000 करोड़ का जो बैठ जाइए एक्स्ट्रा पैकेज है, प्लीज स्टॉप शाउटिंग, 125,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा, प्रेमचंद गुप्ता जी यू वर गिवन अ सप्लीमेंट्री, नाउ यू आर कन्वर्टिंग अ सप्लीमेंट्री इनटू अ डिस्कशन, दैट्स नॉट करेक्ट। ये जो माननीय सदस्य जी बात उठा रहे हैं कि नेट अगर देखा जाए तो राज्यों को कम मिला है ज्यादा मिला है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैंने जवाब दिया है इसी विषय पे, माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, कि अगर हम लोग नेट देखें तो चाहे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह हैं या डेवोल्यूशन हुआ है 42% हुआ है, उसमें सब स्टेट्स को अधिकतर नेट ज्यादा पैसे मिले, तो ये गलत। आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्टीकरण किया है। अच्छा, आपका जो अगला प्रश्न था कि बिहार का जो स्पेशल पैकेज है अधिकतर जो है उसमें, इफ देयर इज अ मिसलीडिंग आंसर प्लीज टेक इट अप थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोसीजर, धन्यवाद, यू हैव नो लोकस, सिट डाउन प्लीज, क्वेश्चन प्लीज सिट डाउन, मिस्टर बबीता सिंह प्लीज सिट डाउन, स्टॉप एजिटेटिंग, प्लीज सिट डाउन। क्वेश्चन 108, यस यस, लेट द आंसर बी गिवन, रिप्लाई इज लेड ऑन द हैज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि क्या ISI के लिए जासूसी करने के नाम पर सेना के जो मौजूदा या रिटायर्ड लोग पकड़े गए उनके एक एक मामले को गहराई और गौर से देखा गया? सेना में किस स्तर के लोग इस तरह के काम में प्रमाणिक तौर पर शरीक पाए गए,
कितनी गोपनीय सूचनाएं बाहर गईं, देश का कितना नुकसान हुआ, या एक प्रचलन जैसा हो गया है कि किसी मामले में कोई पकड़ा जाए हम आईएसआई का नाम दे दें। जो लोग पकड़े गए उनका इन्वॉल्वमेंट आईएसआई से एस्टेब्लिश हुआ है और उनके ऊपर देर आर केसेस आल्सो फाइल्ड ऑन देम। इन केसेस ऑफ आर्मी द करंट सर्विंग पीपल हैव बीन मोस्टली टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज आफ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इन केस ऑफ एयरफोर्स देर वर टू पीपल हु आर मॉनिटर्ड बाय एयरफोर्स and their services have been terminated. Second question. सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री, लेकिन इसके पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे तीनों सवाल बड़े साफ और स्पष्ट हैं, परंतु खेद के साथ कह रहा हूं कि उनके उत्तर पहले की तरह अस्पष्ट हैं। आप सवालों के उत्तर पढ़ने की और सवाल पढ़ने की इजाजत देते तो मैं स्पष्ट करता, पर मैंने पहले अपने सप्लीमेंट्री में आशंका व्यक्त की थी कि अनेक मामले ऐसे आते हैं जिस पर लगता है बगैर जांच के हम कह देते हैं आईएसआई का मामला है। मैं दो सर तथ्य रखना चाहूंगा। 16 दिसंबर 2015 को राज्यसभा के हवाले से खबर छपी जिसमें गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा 11 सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल अरेस्टेड इन 3 ईयर्स फॉर बींग आईएसआई मोल्स। आज डिफेंस मिनिस्टर ने, माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एंड द करेंट ईयर 3 सर्विंग आर्मी पर्सनल हैव बीन अरेस्टेड फॉर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्पाइंग एक्टिविटीज एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। सर, एक ही सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के बयान रक्षा मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री के एक ही प्रश्न पर अलग अलग सच और तथ्य क्या है, यह देश जानना चाहता है। थैंक यू। क्वेश्चंस आर डिफरेंट। दिस इज रिगार्डिंग सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स and it refers to last 3 years. I stand by my question that serving 3 army officers have been arrested spying for ISI. 7 ex-army officers, they are not officers, personnel, have been arrested besides these 3. They are ex-servicemen. They are not serving army of personnel. Thank you. Second supplementary. Ho gaya. Shri Majid Menon. मंत्री से एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 3 आर्मी सर्विंग आर्मी पर्सनल को गिरफ्तार किया गया है जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर मामला है, इस स्पाइंग बाय आर्मी पर्सनल को रोकने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं कि आगे ऐसा ना हो? रोकने के लिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसमें इफ यू सी दिस पीपल personnel who have been arrested, they are normally not very high ranking officers. They are army personnel who are basically jawans and JCOs, and we have been, many of them have been trapped into these activities. So we are sensitizing army personnel on not getting, falling into the trap. श्री अविनाश राय खन्ना। धन्यवाद सर। सर, अभी जवाब में माननीय मंत्री ने बताया है कि सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट कर दी गई हैं। क्या इन लोगों का जो स्पाइंग करते हैं ये देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है? क्या सिर्फ सर्विस टर्मिनेट करना ही सफिशिएंट सज़ा है? क्या उन लोगों द्वारा कमाया गया पैसा, बनाई गई प्रॉपर्टी उनको कन्फिस्केट करके सरकार को देना, ताकि बहुत बड़ा मैसेज बाकी लोगों को जाए कि वो अगर स्पाइंग में पकड़े गए तो उनके साथ वही हशर होगा जो इन लोगों के साथ हुआ है? सो एक कड़ी सजा का प्रावधान है या नहीं? इनके खिलाफ सभी एक केसेस जो है मामले, उनके खिलाफ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी चालू है, और कई लोगों को आर्मी ने भी 7 बरस की, एक को तो आर्मी ने 7 बरस की कड़ी सजा दी है डिसमिस करने के बावजूद। डिसमिस करना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वी हैव आल्सो गिवन देम पनिशमेंट, लाइक 1 पर्सन हैज बीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स रिगरस इन पर। वो जो को एज पर द लॉ व्हाट इज प्रोविजंस आर देयर, वी फॉलो दोस। श्री जावेद अली खान। माननीय सभापति जी,
मामला गंभीर है और चिंताजनक भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जासूसी की ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और अब भी हुई हैं, यानी ये क्रम लगातार चल रहा है, इसमें रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है? जिन आरोपी जिनको हम जासूसों को पकड़ते हैं उनमें कितने फीसद को सजा होती है और कितने फीसद छूट रहे हैं अब तक? आर्मी के आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से हर एक को पनिशमेंट हुई है। जो मामला सिविल कोर्ट में होता है उसकी पूरी ताल्लुकात मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 3 वर्ष के सभी मामले दे आर ऑलरेडी गोइंग, द केसेस आर गोइंग ऑन, इट्स नॉट कंप्लीटेड, सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ मेनी विल बी पनिश्ड, दैट विल ओनली कम आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। मामले पकड़े गए? कैन द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड एंड गिवन? इंफॉर्मेशन इज पर्टेनिंग टू 3 इयर्स, फॉर द 3 इयर्स एवरीवन हैज बीन पनिश्ड बाय द आर्मी अंडर द आर्मी एक्ट बाय द टर्मिनेशन एंड रिग्रेस इंप्रेसमेंट। एज फार एज सिविल मैटर्स आर कंसर्न द मैटर्स आर चार्जशीटेड इन द कोर्ट एंड पनिशमेंट्स हैव नॉट बीन हैव नॉट कम थ्रू, सो दे आर अंडर चार्जशीट। थैंक यू। क्वेश्चन 109। A statement is placed on the table of the House. Right. Well, Chairman, sir, my first supplementary question. Yes. The handling of passengers by airport staff involves a security aspect, as they screen the passengers while issuing boarding passes, and it involves accountability. Air India has completely outsourced this segment. The employees on payroll can only be accountable and not the people engaged through outsourcing. The outsourced people lack experience to handle the value of traffic. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister whether the Air India is considering to replace the outsourced staff by its own personnel due to increased security threats. Thank you. Sir, the question is regarding security. Security will never be compromised. It has to be effective. With regard to this travel time, sir, airlines fix their own travel time based on congestion, traffic, so many other angles of it. Airlines are free to do it and they are doing it, sir. If there's anything specific he wants to know, I can let me know. I'll gather that information and reach it out to you. Second question. The airports are jammed and it look like a railway station. This is due to increase the passengers. In the last 10 years, the value of passengers traffic has more than thrice. It is expected to grow 3 times in the next 10 years. By 2025, most of the India's large cities would require a second airport. This is a question on airport security. And metropolitan cities may need to third airport by 2032. So my question is what are the steps taken by the government to handle this, increase the value of the air traffic as aviation sector is as such, whether the security aspect needed to be given utmost importance? Through you, I submit that security will never be compromised. Growths have no doubt have been encouraging, and we are looking at it. It is generating certain congestions, and steps are being taken to eliminate those congestions. Thank you, Shri Balagopal. Sir, the minister, honourable minister, replied about the advisory given by the Air India about 3 hours advance reporting for air travel. Sir, in our airports, big queues are there, heavy traffic, heavy rush, and actually the airports now having a lot of passengers, and the facilities for X-ray machines and the security personnel are not increased. So at some moments we saw some passengers are not able to go to the security gate and not to report the airlines, and poor persons are not able to go because of huge queues. So whether the government will
increase the number of security persons and facilities like X-ray machines and other facilities to address the question of over the increase of passengers. Thank you. Sir, this is a dynamic process, sir. As passengers increase, equipment also has to increase. Personnel will have to increase. So this is being attended to, sir. Shri Praful Patel. Sir, I must say, sir, having also been in the ministry for many years, that Indian airport security is probably the most user-friendly and probably quite efficient compared to any country or any airport in the world. So I must say that as a measure of compliment, that we must appreciate that the work the CISF and the overall Bureau of Civil Aviation Security has been doing. Having said so, sir, airports have been upgraded and they need to be constantly upgraded, as the minister has rightly acknowledged. One or two aspects I would just like to ask him and also bring to his notice, that when we go to most airports, I'm not only talking of Mumbai, Delhi, because those have been highly upgraded in terms of modernization. But most secondary airports, when you normally go to an airport, you first have to put your baggage through a scanner and then it goes to the check-in counter. So it involves multiple processes. Most of our airports, after having been upgraded, also have the provision for inline baggage screening, as is being done in Mumbai and Delhi especially. So if most of the airports, the inline baggage screening is done, then the passenger won't have to do a double transfer of his luggage, which is also not very easy for older people and for ladies and for children. So the inline baggage screening system, by when we would be able to put it in most of our airports, if not all, I think that is something which you would like to throw some light upon. And one more, sir, an important thing, may not be directly security, but when you come back from overseas, including Delhi and Mumbai, airports which have got the highest number of incoming passengers, the immigration desks have been provided in plenty, but are not being manned in full because of the shortage of staff, leading to long queues, and especially when we are being so tourist friendly, we are giving visas on arrival, but the number of people in the queues is increasing and probably is not something which is well-intentioned. I think we need to do something about that. And one more thing, sir. Please. This is all user... I know, but there has to be a limit. No. After clearing the immigration and getting a stamp, Varunji, the only thing is that we again, there is another line just to see whether the stamp has been put or not. That is in no other airport in the world. This is a recent thing which has been started. I think the Honorable Minister can take it up with the concerned agencies, which is the IB in this case, that once a passport is stamped, why should there be a second line to check whether the passport has been stamped or not? There are enough cameras and all to monitor in case somebody is being doing something surreptitiously. Fair enough. So I would like an answer at least on the inline baggage screening. So the inline baggage system is an expensive system. So where the numbers of passengers justify it, those airports will definitely have it. If not having it already, if it is not there, it's going to be done. So, but it depends on the number of passengers. Sir, that's how it will be. With regard to security... Is there a limit beyond which... Beg your pardon, sir? Is there a limit beyond which the system is activated? Sir, the system is in place in some places. He has mentioned it also. But he has asked whether it should be put up in all places, sir. Now, all places, it's too expensive. We'll be pushing up the cost everywhere. That is not the intention. So where the passengers are high, the equipment will be installed. Otherwise, it will not be installed, sir. No. Prafulji. But you see, we are already collecting a passenger service. Prafulji, you know it. Shri Anil Desai. Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honorable Minister that it is a fact that CISF and BCAS, that is Bureau of Civil Aviation Security, has been doing a good job, and whatever has been laid down regarding reporting of the passengers 3 hours before or whatever time schedule has been given. But the thing is, what has been noted that apart from CISF,
because there is the subsidiary of Air India, that is AITSL, under that security personnel staff is also hired on contract basis, which to our this thing, which may come into compromise as far as security of the passengers are concerned. And on this aspect, lot of inconvenience is being experienced by the passengers. So my request to the minister, and is there any movement that this, instead of taking the staff on the contract basis, regular recruitment would be done, which would really have a question of integrity, which is very necessary as far as security is concerned. Thank you. Thank you. To the House, that no core activity, no core security activity is being privatized, sir. Core activity is kept with government. It's the responsibility of the state, sir. So what is this other agency that the member is referring to? Non-core activities are generally other people are called, because trained people are expensive to train, so they are called to do other things like lifting a bag, carrying something, looking at a label, so those type under, of things. Under AITSL. Security, we follow the pattern. We have a Bureau of Civil Aviation Security, sir. They are second to none in the world. Security. And their manual is followed. Sir, security. That's all right. That's a separate matter. No. Hired there, and they are under AITSL, and there is a compromise as far as security is concerned. Even firefighting tenders, are there, they are also men. That is also over. That is also outsourced, and it makes a problem that may come into a big Thank problem. Thank you. Question 110. So 110. Right. Sir, question number 110, A to C. A statement is laid on the table of the House. Sir, India is today the youngest country in the world with the critical mass of youngsters here. India spends a lot on ensuring that the citizens will be productive for the nation. In view of that, after the concerted effort that UPA governments had done, population came down and is coming down gradually to ensure that we have optimum situations as far as resources concerned. 9.46 million children in India remain partially immunized or totally unimmunized. Now, it is understood that children who are partially immunized or totally unimmunized, their life expectancy comes down drastically, which will then impact on the population growth. So I want to know, Mission Indradhanush, which was taken up by the government, there are high focus 201 districts which this has been applied on. What is the percentage of immunization you've been able to achieve in the 1 year of its implementation of Mission Indradhanush? Thank you. Sir, as we all know that approximately 2.7 crore children have to be immunized under the routine immunization program. But we also know that approximately 89 lakh children in the country are receiving either partially immunization or no immunization. 17 lakh children do not have any immunization done, and the rest only partially immunized. Taking this factor in view, in the past 4 years, right from 2010 to 2014, the immunization, routine immunization program was, there was an increase of 4%. That is 1% in each year. Keeping that factor in view, we started a program called as Mission Indradhanush, where 7 types of vaccination is being administered apart from the routine immunization. We took it as a program which started in the first phase from 7th of April 2015, and it was for 7 days till April 13, and this was done for 4 months, April, May, June, July. And then the second phase, which started in October 7 to 13, November 7 to 13 November, the December 7 to 13, and then January 7th to 2016, 13th of January. So this is the second phase. In these two phases, we were able to immunize approximately 1.42 vaccination was done
The number of sessions held were 20 lakhs, and approximately the number of children immunized was 1 crore 42 lakhs. And the total immunization which took place was 37 lakh children. Apart from this, the pregnant women completely immunized was 19.5 lakhs. And the pregnant women who were given the administration was 36.7 lakhs. So at this point of time, our information says that because of Indradhanush, in 2015, in the first phase, we were able to vaccinate approximately 5% more. And by the end of, which is needs validation, by the end of the second phase of immunization, the immunization is 6 to 7%. So there is an increase of 6 to 7% in the year 2015-16 as far as immunization is concerned. Thank you. Second supplementary. Yes, sir. I had asked Honorable Minister specifically about the 201 high-focus districts. What is the percentage we achieved there? That was my first question. In the 201 districts, 20 lakh children have been fully vaccinated and 21 lakh mothers got the neonatal tetanus vaccination. The evaluated is 5% in the first stage, 5% increase in the vaccination. Thank you. Second question, please. Sir, in the UPA government, we ran a campaign against polio, for polio immunization, which caught the public fancy, and we had a lot of people in public domain who came in and partnered us in doing that happily. Today, India can boast of having eradicated polio. We still, of course, keep immunizing to make sure that the polio virus is completely out of India's population. So has the government launched any special catch-up campaign to increase the full immunization coverage of children by 5% or more or annually? And if you have, then may I know the details? I'm told that within 1 year, we were having an increase of routine immunization by 1% every year. In 1 year itself, the increase is 7%. That is, the seven types of vaccination has been given to children, which was being increased by a percentage of one, has been increased to 6 to 7%. And in the first phase, I said it was 5%. We are also increasing the basket of vaccination. We are introducing JE adults. We are introducing rotavirus. We are introducing measles, rubella, and we are using IPV also. So these are the four types. And coming time, we will also introduce for pneumonia also, pneumococcal. So this is also we are enhancing on this front. Number one. Number two, I'll tell you that it is a continuous process. When we talk about Pulse Polio Program, I would not like to name which government came, but it was before UPA that the Pulse Polio Program had started. And the results came during your regime. And after that, as we are adding to it, as our capacity is increasing, accordingly we are going forward in this direction. And we want to see to it that this is a very cost-effective intervention, health intervention. Because when we make our children healthier, and we see to it that we can prevent the deaths of the children, which is preventable. So we are also seeing that we are able to reduce the mortality, number one. Number two, we are able to give them a healthy life. And so the productivity increases. And in this capacity, we are also trying to see to it that how we can see that we increase the number of vaccinations for the children to do. This year, we are adding four. And fifth pneumococcal is in the pipeline. Thank you, Shrimati Jaya Bachchan. Please, no further discussion now. No, you've had your three questions, that's enough. Please. Renukaji, please, allow the next question. Shrimati Bachchan. Thank you, sir. Minister, could you kindly tell the House about vaccination in the tribal areas of the infants and the Zika vaccination? Have you started there? Although this question is related to the routine immunization, as far as the tribal area is concerned,
we have taken very due consideration in the Mission Indradhanush. You see, Mission Indradhanush takes a viewpoint where we are not reaching in routine immunization, like laborers who keep moving from one area to another area, nomadic tribes who keep moving, the same way kiln workers, the same way workers who are working on the construction site, and the same way the tribal areas where we do not have the facilities to give them, and we do not have a regular health worker to take care of the routine immunization. All those areas have been taken due consideration in Mission Indradhanush. We have mapped out the left outs, and we have taken the under this program undertakes only those immunization where we send our health workers specially to those areas, see to it who are left outs, and they are being vaccinated. So tribal area is very much in focus, and we are getting very good results from tribal area. Shri yes. Ajay Sancheti. Please. Sir, I compliment the minister for his detailed reply. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश के और स्पेशली महाराष्ट्र के कुपोषण ग्रस्त इलाकों को फुल्ली इम्यूनाइज करने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. थैंक यू. मैंने पहले कहा कि जैसे जो ट्राइबल एरियाज हैं, या चाहे वो महाराष्ट्र के हों या बाकी सभी जगहों के हों, वो हमारे मैप पर हैं. और जहाँ इतना ही नहीं, जहाँ मान लीजिए कि कोई हेल्थ वर्कर तीन महीने से एब्सेंट रही है या कहीं पर पोस्टिंग नहीं हुई है, उन एरियाज को हम लोगों ने स्पेशल अटेंशन में लिया है, और जहां उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी उनको लिया है. इसलिए महाराष्ट्र के भी सभी एरियाज को हम लेने के प्रयास. जहां तक जीका वायरस का आपने पूछा, तो इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है, और ये हमको प्रिवेंटिव पार्ट पर ही वर्क करना पड़ेगा. श्रीमती विप्लव ठाकुर, विमेन्स डे क्वेश्चन. सो मच. मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस बात से पूरी तरह जानते हैं कि टीबी बहुत फैल रही है हमारे देश में, दोबारा से इसका जो है प्रकोप आ रहा है, तो क्या टीबी की वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों को दी जा रही है, और उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? ये वैक्सीनेशन क्या है, और इसका प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा रहा है प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों को? थैंक यू. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो हमारा न्यूनेटल टेटनस का इंजेक्शन है वो हम दे रहे हैं. जहाँ तक ट्यूबरक्लोसिस का सवाल है, इस तरीके का कोई इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, और इस तरीके की कोई ये जो बीसीजी का हम इंजेक्शन देते हैं, विच इंक्लूड्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज गिवन टू द चिल्ड्रन, नॉट टू द प्रेग्नेंट मदर्स. क्वेश्चन 111, क्वेश्चनर नॉट प्रेजेंट, लेट द आंसर बी गिवन. डॉक्टर अनिल कुमार सानी. सभापति महोदय, जो जवाब दिया गया है बिहार के जो काटे गए हैं, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप भेजते हैं, मगर मैं इससे अलग आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे बिहार के लोग आशा लगा के देख रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषण में बोले थे 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ 125 करोड़, क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, यह पैसा 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ या 125 करोड़ एक मुश्त में भेजना चाहते हैं या किस्त में भेजना चाहते हैं, यह बताने के कष्ट करें, ताकि बिहार की जनता आशा लगा के देख रही है. मैं थैंक यू. सर, आपको मालूम है कि सरकार में जब खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से बात करते हैं और बताते हैं जनता को कि अगर 1,25,000 का कमिटमेंट दिया गया है तो उस कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभाया जाएगा, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट अभी भी बरकरार है, पूरी तरीके से इसे निभाया जाएगा. आपको चेयरमैन सर, आपको ये भी मालूम है, और माननीय सदस्य जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सरकार की उनको पूरी जानकारी है. उनको मालूम है कि जब सरकार की तरफ से धनराशि जाती है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और रिलीज अमाउंट्स की सब तरीके से जब प्रमाण आए जाते हैं तब ये फंड्स रिलीज किए जाते हैं. तो जैसे जैसे, और ये जो 1,25,000 करोड़ का जो ये मामला है, मैं स्पष्ट कर दूं,
कि जो पहले भी माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था उन्होंने कि जो डेवोल्यूशन का पैसा है और जो 1,25,000 करोड़ का जो पैसा है ये अलग है कि नहीं है। मैं उनको भी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, माननीय सदस्य को भी स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो 1,25,000 करोड़ की जो बात हुई थी वो जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत जाएंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री से हो, वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर 1,25,000 करोड़ का एक पैकेज बनाया गया था। इस पैकेज की मॉनिटरिंग इस समय हो रही है, पीएमओ से हो रही है और हमारे वित्त मंत्रालय में भी हो रही है। तो आप सब लोगों को बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने ये बात कही है तो इस बात को हम लोग पूरी तरीके से निभाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग होगी और बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। प्लीज नॉट योर क्वेश्चन, नो दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट योर क्वेश्चन प्रेमचंद जी, प्लीज प्लीज। श्री गुलाम रसूल बलियावी। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूं कि कम से कम आपकी नीयत है कि देंगे, कब देंगे समय निर्धारित नहीं है, लेकिन बिहार के पुल और एनएच के रिपेयरिंग के लिए, जबकि गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सड़कें सुधरी हैं, वो जो पैसा बाकी है उस पैसे को भी अब तक इन्होंने नहीं दिया, तो कम से कम कृपा कर दीजिए जो बकाया है वो दे दीजिए, जो वादा करके आए हैं बाद में भेजिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे, बकायवा कब तक दीजिएगा ये बताइए। चेयरमैन सर, मिस्टर चेयरमैन सर, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि जो धनराशि जानी चाहिए वो जा रही है कि नहीं जा रही है और ये सरकार की कृपा है कि नहीं है। मैं उन्हें विश्वास फिर से एक बार दिलाना चाहता हूँ कि ये कृपा की बात नहीं है, ये कृपा की बात नहीं है, ये जिम्मेवारी की बात है। आपके तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, आपकी तरफ से वो प्रमाण आएगा कि ये काम हो रहा है, तो सरकार जिसकी जिम्मेवारी है कि इसका खर्चा दिया जाए वो ज़रूर खर्चा मिलेगा। रूरल रोड्स की अगर वो बात करें, ग्रामीण सड़कों की अगर वो बात करें, तो माननीय सदस्य को बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है कि कई उसमें हेड्स होते हैं, कुछ हेड्स होते हैं जो राज्य सरकार के हेड्स होते हैं जिसमें से राज्य सरकार खर्चा करती है, कुछ है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी पूरी उसकी प्रक्रिया बनी हुई है, जैसे जैसे उसका सर्टिफिकेट आता है वैसे वैसे उसके फंड्स रिलीज होते हैं, तो वो केंद्र सरकार से वो पैसे बिल्कुल उनको मिलेंगे। जो नेशनल हाईवेज की जो बात करें वो तो NHAI के माध्यम से किया जाता है, वहाँ जो ठेकेदार हैं वो सर्टिफिकेट्स पेश करते हैं कि ये काम किया गया है और उसके अनुसार उन लोगों को पैसा दिया जाता है। अगर पैसा वो नहीं, अगर वो काम सही नहीं करते हैं तो फिर उस पर ज़रूर पैसा रोका जाता है और देखा जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके आधार पे फिर फंड्स रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं माननीय सदस्य जी को एक बार फिर कहूँगा, ये कृपा की बात नहीं है, ये बिजनेस की बात है, आप सही तरीके से काम करेंगे तो सरकार से आपको पूंजी ज़रूर मिलेगी। श्री रामनाथ ठाकुर। जानना चाहता हूँ 2005 से उच्च पथ का उपयोगिता प्रमाण पत्र आया हुआ है बिहार सरकार से और अभी तक उस राशि को यहाँ से नहीं भेजा गया है। हाँ, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि कब तक वो राशि यहाँ से विमुक्त हो जाएगा। थैंक यू। मिस्टर चेयरमैन सर, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप केंद्र सरकार की योजनाएं देखें तो वहाँ दो योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं जिसमें कि सड़कों के लिए पैसे रिलीज किए जाते हैं, एक तो ग्राम सड़क योजना है और दूसरी NHAI। अगर माननीय सदस्य ज़रा लिखित रूप से और औपचारिक रूप से ज़रा हमें भेज दें, बता दें कहाँ कहाँ रुकावट आई हुई है, हम लोग उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन 112 सर, मैं क्वेश्चन नंबर 112 सर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि NPA हमारे नेशनलाइज बैंक के लिए बड़ी समस्या बन गई है। वैसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने मुझे रिप्लाई दिया है कि 50 करोड़ रुपए जो बकाया है उसको लेने के लिए, और जब उधारकर्ता पैसा वापस नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में 50 करोड़ से ज़्यादा रकम है और वैसी रकम की जो संपत्ति है उनके लिए, हमारे जो 50 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति के लिए दो मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाने के बाद उसको बिकाया जाता है, तो 50 करोड़ से कम कीमत वाली संपत्ति के लिए क्या व्यवस्था है? थैंक यू सर। मैं माननीय सदस्य को फिर से एक बार भरोसा दिलाना चाहता हूँ
कि इस विषय पे जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आती हैं प्रॉपर्टीज पे, आरबीआई का सर्कुलर 2007 से ही जारी है और उसमें कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टीज इस प्रकार की है उस पे। धन्यवाद। हाउस इज adjourned till 2 p.m.